यहाँ पे इतने मैंने सीरियसली देखा क्योंकि प्रश्न सात के बाद यहाँ पे कुछ नहीं था। पागल है क्या? कितने नंबर का था वो? चार नंबर का। यार अब मैं हिंदी में फेल ना हो जाऊँ दीदी। फेल बताओ 95 लाने वाला बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल होता तो कैसे होता है? यार हिंदी वाली मैम को तो मेरे से ऐसा लगता है कि ना मुझे सही बता तूने छोड़ा है छोड़ दिया क्यों भाई क्यों पलट के देखना होता है 10 बार बताया मैंने मजाक कर मजाक करने की बात है ऑलरेडी कह रहा है 7-8 नंबर कम आएंगे 4 मार्क्स का कह रहा है छोड़ दे मजाक करने की बात है नहीं मजाक करने की बात नहीं है दीदी कोई बात नहीं वेरी गुड अब हम एटेंडमेंट शुरू करते हैं अंदर भाई दीदी तो जो आसान है बहुत अच्छा पसंद लिखा है फालतू नहीं गलत करके कौन है तू एमसी को अंधा धुन लगाया याद कर लो तुम हमारा एमसी क्यों लिया मान लो सारे के सारे सही हो गए तो पहले ही गलत है तो मैंने अपने से लगाया है ना इसलिए शर्म नहीं आ रही है देखिए इस बात की शर्म गाइस मेरे को तो अपना पे गौरव हो रहा है गर्व हो गौरव हो रहा है गौरव हो रहा है गौरव मुझे तो अपने आप पर गर्व हो रहा है कि मैं हिंदी के पेपर जीत के आया हूं हिंदी इतना आसान सब्जेक्ट तो आसान मैंने कई कहा मुश्किल सब्जेक्ट है पहले झूठ कहनी है 24-25 तो क्या हो गया तभी मैं टॉप तो कर ही लेता हूँ बाकी सब्जेक्ट में इतने आ जाते हैं पेंसिल दोगी कि जीभ से बनाओगी इसे मैं जीभ से याद हो गया क्यों चार ही तो है जल्दी करो पता जल्दी मुझे थोड़ी अच्छे से कम वाह ये पूरी प्लानिंग के साथ आई थी कल स्कूल नहीं जाना टीचर बाहर में जाए जो नहीं मैंने दीदी होमवर्क चेक करा है ऑब्वियसली जब यहाँ तक आया है यहाँ से आगे नेक्स्ट का हो रहा है तो यही यही आएंगे हम जाओ जल्दी करो ये नहीं वो ये मैं ही संडे ये हाँ लास्ट लास्ट अच्छा जिसके साथ दीदी जा रहे थे तो हैरी पॉटर जैसा लग रहा था अरे वो तो मेरे को महान लफंडर लगता है यही घूमता रहता था वो यहाँ रहता ही नहीं है हाँ। वो यहाँ रहता ही नहीं मैं उसको हमेशा बहुत अक्सर यहाँ मैं उसको देखूँ उसको फेस वाइज मतलब पहचान रही हूँ समझ लो नहीं हाँ दीप्ति सच में वो यहाँ नहीं रहता क्या बात 5 साल बाद आया हाँ। नहीं दीप्ति हाँ अरे मैंने उसको बहुत बार यहाँ देखा कल्पना चावला तो एक कंपनी है नहीं कल्पना चावला वाज एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट दफा हो दीदी कह रही दफा हो को संगति के मैच में कि भाई म्यूजिक म्यूजिक सुन आपको मन को शांति मिलेगी और पढ़ाई पे फोकस बस यही यही सुन के मन दे हिंदी इतनी गंदी है इसकी इतनी गंदी है गाइस इतनी भी गंदी नहीं है इतनी गंदी है कि आप सोच नहीं सकते इनके हिसाब से होगी मेरे हिसाब से अपने हिसाब से सुअर भी बहुत सुंदर होता है ओ माय गॉड इतनी बड़ी बेइज्जती गाइस पर सुअर से कंपेयर तो मत करो भाई इतनी गंदी भी नहीं है भाई यार जब तू 6 नंबर गलत करके आया ना तो और कोई उम्मीद नहीं रख सकती मैं राइटिंग मिस्टेक अलग वो मैम हमारे एजुकेशन को टेस्ट नहीं कर रही थी वो अपनी एजुकेशन को फ्लेक्स कर रही थी अपनी एजुकेशन निकाल रही थी पेपर में कि हाँ अरे तो क्या हो गया तू सीधे बोलना उनका फ्लेक्स जीरो कर देता दीदी मैं तो दीदी वो तो शुक्र बनाओ ऑप्शन लिख के आ जाता नहीं तो पता है क्या लिख के आ जाता क्या था हमें वो गुरुजी आपके हाथ में है नहीं नहीं गुरुजी आपके चरण मेरे चरणों में आपका सादर पड़ना आपका कोटी कोटी बनना तो क्या था मामा क्या लिख के आए थे मैं क्या जनावरों की बात करता तू ब्लॉग में मेरे बैठ जा हो गया जा रहे दीप्ति इसको नहीं पढ़ाना था ये हाथी को ये तो टेबल है रची नहीं अभी तक रची नहीं हाँ मतलब ये पता है आप पूछो तो कैसे गेट नवाक खड़ा सीधा खड़ा होगा
मैं जी 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 वीडियो को ऐसे करके बात करना पड़ेगा ना। इतना लंबा नहीं होगा, अभी और लंबा हो जाएगा तो क्या करेगा, जीने नहीं देगा। रख लो, कुछ पूछो दीदी, कुछ पूछो। तो दीदी टेबल खड़ी हो जाएंगी, तू खड़ा हो सीधा। कुछ पूछो दीदी, कुछ पूछो। साइन ए 60 डिग्री में बताना। साइन 60? हां साइन 60। हां बताओ बताओ दीदी। गाय के तबेले में जाओ तो गाय का गू होता है, साइन 60 अंडर रूट 2 होता है। ऐसा मारेंगे कि घूम जाएगा तुम्हारा मुंह। साइन 60 है अंडर रूट 3/2। हां तो वही तो बोला, अंडर रूट 2 बोला। सही है। अरे कोसेकेंट 60 का गाइस, कोसेकेंट 60 बता। ये गाइस वाला सिस्टम नहीं चलेगा यहां। फिर से बताओ, फिर से पूछना, फिर से पूछना। टीचर नहीं बैठा गाइस, गाइस कभी कभी भूल जाता हूं मैं, मिस्टेक हो जाती है। क्या दीदी फिर से बताना, फिर से कुछ पूछना। कोसेक ए बताओ 60 में। एक तो शायरी में बताया बड़ा बढ़िया जो गलत था। अरे यार वो शायरी के चक्कर में मैंने राइमिंग कहीं और जोड़ दी। अरे यार पूछो बताओ। tan a 30 डिग्री और सस्ता क्वेश्चन ले आओ ना दीदी। तुम महंगा छोड़ो सस्ता बताओ। मैं बताता हूँ आपको दीजिए, मम्मी बहुत सारा पैसा लेके जाए मार्केट में तो समझ जाओ मार्केट में महंगे कपड़े फ्री होता है। tan 30 का फॉर्मूला रूट 3 होता है। सोच के देखो तो इतना गलत कोई कैसे हो सकता है। tan अरे मैं कौन छत्ती का फॉर्मूला रूट 3 होता। अरे मैं बताता हूँ देखो, पता क्या था, cot 30 बता दिया मैंने अभी ना। तू cot 30 करता देख रही हो गलत बता रहा है। अब कुछ पूछ लो, अब कुछ पूछ लो, अब कुछ पूछ लो करके। sec a की वैल्यू बता 90 डिग्री पे। sec a की 90 डिग्री पे वैल्यू। हां नॉट डिफाइंड। अरे यार रमी इसको कट कर देना है। एक भी कट नहीं करूंगी, तू सारा गलत बताया। सारा नहीं गलत बताया, एक ठीक बताया, एक दो गलत बताया। वो भी इसलिए बताया क्योंकि मैं शायरी के चक्कर में पड़ गया था। आप पूछ लो, दूर से पूछना, दूर से, सोशल डिस्टेंसिंग। कोई नहीं चलेगा बहुत। आप पूछो, जब पूछो। पढ़ाई करो, पढ़ाई। हट बेबो। साई ने बता दे 30 डिग्री पे सबसे ज्यादा। जब जब तू हंसता है तब तब तू हंसता है, ध्यान से बोला कर। हाँ और 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे किसका पूछ रहे हो? साइन ए का। 1 सच्चे सच्चे साइन ए का ही पूछ रहे हो ना? 1 10 बता दे 45। पता दे दीदी, इतने सस्ते क्वेश्चन में आंसर भी नहीं था। रूट 3 1 आंसर नहीं देता। 10 ए पूछा मैंने 45 डिग्री पे तो रूट 3 है। सही में? सही में? अरे अच्छा ठीक है। भीम की चुड़ैल लग रहा है। भीम की चुड़ैल इंदुमती नहीं रे चिड़की। अरे मैं इधर क्यों आ रही हूँ? हाँ जी पूछ। बस पूछ तो लिया सारा। और एक क्लास पूछ लो। हग दिया। एक क्लास पूछ लो, अगर कल याद होना चाहिए। अभी याद, आप पूछो। आपको अभी अभी याद है? अभी तीन पूछ लो, ठीक है? तीन के तीन कंसेक्यूटिव सही बताऊंगा। अब तो सारे सही बताएगा, गलत सारे हो गए तो। अरे पूछो, आप पूछो, देखो बोलते। मैं पूछ रहा हूं दीदी। हां तो मैं पूछ रहा। अरे तेरे समझ नहीं आएगी बेटा, तुझे तो आती है नहीं। मैं क्यों लिखी हुई है हिंदी में लिख के दो इसे। चला तू रख रे, तू रख रे। आज जाओ पूछो, एक लास्ट पूछो। चल बता गाइस, मैं डर गया। चल छोड़, बता sec a की वैल्यू बता 30 डिग्री पे। sec a 30। हां अगर गलत बताया तो यही मारूंगी। भूख लगती है ना तो अपना दिमाग काम करना बंद कर देता है। और हाँ स्पेशली पॉटी आती तब भी काम करना बंद कर देता है। बिकॉज किसी ने नहीं पूछा है।